हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश सिंह है और आप लोगों का फिर से स्वागत है A3 ब्रदर्स में। तो आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करेंगे आईफोन 7 से। आईफोन 7 जल्द ही रिलीज़ होने वाला है सितंबर फर्स्ट वीक में। डेट तो अभी कंफर्म नहीं हुई, पर उनकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखते हुए जब उन्हें रिलीज़ करें अपने प्रीवियस फ़ोन, तो जहाँ तक ही सब मानते हैं कि आईफोन फर्स्ट वीक सितंबर में रिलीज़ होने वाले हैं। तो आपने अभी तक बहुत सारी रूमर्स और लीक्स देखे होंगे, तो उनमें से कुछ चीज़ मैं आपको कन्फर्म करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ कन्फर्म हुई हैं कि आईफोन 7 में आपको जो एंटीना बैंड्स होते हैं बैक साइड में, वो शिफ्ट होंगे और वो शिफ्ट होकर आपको अपर कॉर्नर्स में दिखेंगे। आपके एंटीना बैंड्स वहाँ रहेंगे बट वो कॉर्नर पे गए हैं। और सेकंड चीज़ आपको आईफोन 7 प्लस के लिए है कि आपको आईफोन 7 प्लस में ड्यूल कैमरा दिखेंगे। ड्यूल कैमरा मोस्टली इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपको लो लाइट क्वालिटी इमेज की अच्छी हो सके और फोकस उससे अच्छा हो जाता है, आपको इमेज की डेप्थ अच्छी मिलती है। और थर्ड चीज़ ये है कि आपको 3.5 का जैक नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिंपल नॉर्मल एक लाइटनिंग केबल का जैक है जिसमें आपको अपनी नॉर्मल लीड्स म्यूज़िक सुनने के लिए लीड भी लगानी है और चार्ज करने के लिए भी आपको नॉर्मल वहाँ एक ही स्लॉट मिलेगा, जैसे कि आपने एली के फ़ोन्स में देखा होगा LE 2 में, तो सेम वैसे ही आपको मिलने वाला है। और वैसे भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आईफोन के रिलीज़ होने में, तो आप सब बस वेट कीजिए और आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि कितनी लीक्स और कितनी रूमर्स सही थे। तो अब आप दूसरी टेक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज की सेकंड न्यूज़ रिलेटेड है पोकेमोन गो से। पोकेमोन गो का एक न्यू वर्जन रिलीज़ हुआ है 0.33.0, जो कि 8 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। उस वर्जन में उनने कई सारी चीज़ें बग फ्री करी हैं, जैसे कि iOS यूज़र्स के लिए उनने बैटरी सेवर मोड को बग फ्री कर दिया है, क्योंकि इससे पहले iOS यूज़र्स को बहुत सारी इश्यूज़ आ रहे थे इस मोड में। और अब आप अपने ट्रेनर का निकनेम एक ही बार चेंज कर सकते हैं, तो नाम आप ढंग से चेंज कीजिए क्योंकि आप दोबारा नहीं कर पाएंगे। और अब आपको कुछ वार्निंग साइन देखने के लिए मिलेंगे अगर आप ड्राइव करते समय इस गेम को खेल रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेंगी पहले कि अगर आप ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं गेम खेलते समय, तो इनने एक सिक्योरिटी को लेके ये वार्निंग साइन निकाला है। और आपको कुछ अपडेट XP बोनस करेक्शन से भी रिलेटेड भी मिलेंगे। और कई लोगों ने पहले इस गेम के अपडेट के जो इससे पहले अपडेट था उसके बाद कई लोगों ने रिपोर्ट करा था कि उनकी गेम रीसेट हो जा रही है लेवल 1 पे। और उस समय पोकेमोन गो ने ये कहा था कि अगर आप दो अकाउंट को यूज़ करके इस गेम को खेल रहे हैं, जैसे कि गूगल और पोकेमोन ट्रेनर क्लब को, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट अब उनने ये कन्फर्म कर दिया है कि अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी इस वर्जन को अपडेट करने के बाद। तो ये थी न्यूज़ पोकेमोन गो से रिलेटेड। और आज की थर्ड न्यूज़ रिलेटेड है Xiaomi Redmi 4 और MI Note 2 से। Xiaomi Redmi 4 कुछ दिन पहले स्पॉट हुआ था Geekbench पे, जिसमें उनने ये दिखाया था कि आपको इस फ़ोन के अंदर Snapdragon 625 चिपसेट, 3GB रैम और 6.0.1 मार्शमेलो मिलेगा। और ये तो अभी तक लीक है, बट कुछ चाइना के सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म करा है कि आपको ये सेम स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं Redmi 4 में। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। आपको इसके अंदर 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी मेटल बॉडी के साथ, फिंगरप्रिंट स्कैनर और 4100 mAh की बैटरी विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और आपको इसका बेसिक वर्जन 3GB रैम और 32GB स्टोरेज का कॉस्ट कर सकता है अराउंड $105। यह भी कंफर्म नहीं है कि कितना इंडिया में कॉस्ट करेगा, बट ये एक रूमर है और ये बात आपको कंफर्म हो जाएगी 25 अगस्त को ऑफिशियली। तो बात कर लेते हैं MI Note 2 के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि लीक्स में निकल के आई हैं। आपको इसके अंदर एमुलेट टच स्क्रीन मिल सकती है Qualcomm Snapdragon 821 चिपसेट के साथ, जिसके अंदर आपको 3600 mAh की बैटरी मिलेगी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और जो कि आपको फुल मेटल बॉडी में मिलेगा। और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको फ्रंट साइड पे मिल सकता है इस फ़ोन के अंदर। इसके दो वेरिएंट अभी तक लीक्स में पता चले हैं, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला। तो जो 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला है वो आपको कॉस्ट कर सकता है अराउंड डॉलर्स में $375, और जो 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट कर सकता है $420 इन डॉलर्स। तो ये तो अभी तक लीक्स हैं, इस बात को अभी कन्फर्म नहीं करा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कुछ और न्यू अपडेट्स देता रहूँगा इसकी कन्फर्मेशन पे। तो आज की टेक न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि कई दिनों से मैं कंटिन्यू नहीं था, मैंने कई एक भी वीडियो अपने चैनल पे कई दिनों से नहीं डाली, बट मैं अब कंटिन्यू होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रीज़न तो ये था कि मैं स्टडी में बिज़ी था, तो इसलिए मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाया। तो अब मैं कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगा, हर दिन एक ना एक वीडियो तो आपके लिए कोशिश करूँगा कि डालूँ इस चैनल पर। और आप अपना प्यार ऐसे ही इस चैनल को देते रहिए। अगर आपको ये वीडियो और अगर आपने अब यहाँ इस
टाइम तक इस वीडियो को देखते रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो हिंदी टेक न्यूज़ पे इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, अगर चाहते हैं मैं कोई वीडियो करूँ, अलग वीडियो करूँ, जैसे कि कोई चैलेंज, आपको जो फ़नी वीडियोज़ चाहिए तो फ़नी वीडियोज़ मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो आप वो कैसी भी वीडियोज़ चाहिए आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। मैं पक्का उस सजेशन को फॉलो करूँगा। तो थैंक यू।